तो चलिए अब हम जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स को किस तरह से चलाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स को चलाने के लिए आपको पांच प्रिंसिपल को याद रखना होगा। PASS। पी का मतलब होता है पुल द पिन, यानी कि सेफ्टी पिन को आपको निकालना है। ए का मतलब होता है एम द नोजल, यानी एक्सटिंग्विशर की नोजल को आपको फायर की तरफ एम करना है। पहले इसका मतलब होता है स्क्वीज द ग्रिप, यानी कि एक्सटिंग्विशर की ग्रिप को आपको स्क्वीज करना है, दबाना है। दूसरे इसका मतलब होता है स्वाइप द नोजल, यानी कि नोजल को आपको हिलाना है। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते समय आपको कुछ दक्षताएं लेना जरूरी हो जाता है। जैसे कि जब आप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं तो आपके पास में सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। अगर एक्सटिंग्विशर डैमेज कंडीशन में हो या एक्सटिंग्विशर के प्रेशर गेज की निडल रेड जोन में हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते समय स्मोकी एटमोस्फियर या फ्यूम्स वाला एटमोस्फियर में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको जितना हो सके सांस लेने में अवॉइड करना चाहिए। एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते समय मुंह पे रुमाल बांधिए ताकि धुआं और फ्यूम्स का इफेक्ट आपके ऊपर कम हो। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।